बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूँ सरवत वलीम, राउफ क्लासरा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज प्रोग्राम का आगाज करेंगे तो आपको बताएंगे कि छोटे मियाँ की बड़ी ख्वाहिश बड़े मियाँ ने बयान कर डाली। अराकीन के बागी होने का खौफ या फिर कुछ और, नवाज शरीफ का अचानक से शहबाज शरीफ को नून लीग का 2018 के इंतखाबात में वजीर आजम बनाने का बहुत बड़ा ऐलान, ये ऐलान दबाव का नतीजा या फिर किसी सियासी चाल का हिस्सा है, ये भी जानने कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ दूसरी जानिब सानेहा मॉडल टाउन पर ऑपोजिशन जमातों ने भी शहबाज शरीफ के खिलाफ मुहिम को तेज करने का फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ की बात होगी तो आपको बताएंगे कि मुल्तान मेट्रो प्रोजेक्ट में मुबैना करप्शन करने वाली कंपनी याबिद को चाइना ने ताहयात ब्लैकलिस्ट कर दिया। मुल्तान मेट्रो बनाने वाली कंपनी पर चाइना में करप्शन साबित, तो शहबाज शरीफ बरी कैसे हो गए? क्या चाइना ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट करके शहबाज शरीफ को मिस्टर क्लीन साबित कर दिया? इस सारी सूरत हाल के पीछे असल हकीकत क्या है, ये भी आप तक पहुंचाएंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे नून लीगी हुकूमत का एक और कारनामा, मनपसंद अफराद के हाथों पंजाब की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तबाही का मनसूबा तैयार कर लिया गया। चार कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तोड़कर ताकतवर मनपसंद अफराद को बिठा दिया गया। इन तैनातियों के पीछे कौन कौन और किसका हाथ है? इसके साथ साथ वजीर पानी और बिजली अवैस लगारी की इन तैनातियों के पीछे जाती दिलचस्पी आखिर क्यों है, इस हकीकत से भी पर्दा उठाएंगे। प्रोग्राम के जब अगले हिस्से की जानी बढ़ेंगे तो कुछ मुल्तान शहर से मुतालिक बात होगी। मुल्तान में वकला का एहतजाज बिल आखिर रंग ले आया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार का मुल्तान शहर में पुरानी कचहरी को बहाल करने का हुक्म, खेतों में जाकर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। उजलत में जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में अदालतों की मुंतकली का फैसला क्यों किया गया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शदीद बरहम हो गए। प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से की जानी बढ़ेंगे तो कराची शहर की बात होगी। कराची में रिफाई प्लॉट्स और कब्रिस्तानों के बाद हिल पार्क, अजीज भट्टी पार्क, सिटी पार्क समेत आठ बड़े सरकारी पार्क पर भी कब्जा माफिया के निर्गे में बिल आखिर कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू हो गई। कौमी असम्बली की भी बात होगी जिसके अराकीन ने इस को बेवकत कर दिया। कोरम पूरा ना होने से फाटा इस्लाहात का बिल पेश ना हो सका, सेशन गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। ऑपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया जबकि स्पीकर अयाज सादिक हाउस इन ऑर्डर करने में बुरी तरह से आज फिर नाकाम नजर आए। आमिर साहब, सबसे पहले बात करेंगे, आज बड़ी अहम सिचुएशन ये है कि नवाज शरीफ साहब ने ऐलान कर दिया बिलाखिर छोटे मियां साहब जो है ना नेक्स्ट इंतखाबात में वो वज़ीर आज़म के लिए हमारे कैंडिडेट होंगे। क्या समझते हैं अचानक से इतना बड़ा ऐलान, जब वक्त था तब बनाया नहीं गया, अब इस सूरत में ऐलान क्यों किया गया? इतनी बड़ी खबर जो है ना वो पता नहीं कैसे अजीब अंदाज से ही पेश की गई है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के नए अनाउंस कर रहे हैं, उन्होंने बना दिया ना कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ होंगे ना, वो बन गए जो है, और इतनी देर से रुका हुआ था, रिलक्टेंस थी, वो था, और जिस अंदाज से पेश की गई ना ये खबर कि मुस्लिम लीग की नए लीडर का ऐलान जो किया गया है, सूरी तौर पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अगर ऐसा फैसला होगा एक कोई ग्रैंड पार्टी का इजलास होगा, ग्रैंड उसकी अनाउंसमेंट होगी। अनाउंसमेंट कैसे हुई कि जिस अंदाज से वो पेश की गई है कि दो रिपोर्टर हैं, वो दोनों हमारे दोस्त हैं, वो बेचारे घर के लोग ही माने जाते हैं, इनके गिर्द नून लीग के हमेशा शरीफ बरादरान का एक हमेशा इनर क्लब रहा है जर्नलिस्ट का, जिनको लाइसेंस टू राइट होता है कि हमारे मुफाद में जो भी आप बेहतर समझे लिख दिया करें। तो ये दोनों दोस्त हमारे साफी भाई जिन्होंने खबर दी है ना, ये घर के ही आदमी उसी क्लब के सरकर्दा मेम्बर रहे हैं। अच्छा, खबरें आपस में नहीं मिलती, उन्होंने जो उसकी तारीफ शहबाज शरीफ ने एक ने बहुत ज़्यादा की हुई है, एक ने ज़रा दरमियानी सी की हुई है, तो वो ये पता नहीं चलता कि खबरें दोनों की मैंने बड़े गौर से पढ़ी हैं, वो लगता नहीं है कि वो एक्चुअल रिपोर्टिंग हुई है। दोनों ने शरारत कर रहे हैं, दोनों ने मैं बिल्कुल वो आप दोबारा पढ़िएगा, शरारत कर रहे हैं। ये कह के कि जनाब किसी ने शहबाज शरीफ की ज्यादा तारीफ की, किसी ने कम की, खबर में ये शरारत है। वो मेरा ख्याल है, बहरहाल वो उन्होंने दोनों ने इमेजिनेशन अपनी लड़ाई हुई है कि इस वक्त मौके पे ऐसी खबर के साथ जो है ना क्या क्या चीजें लिखनी चाहिए, वो खबरें नहीं मिलती आपस में। और फिर कंपनी देखे ना, जिस कंपनी में ये अनाउंस किया गया है कि वहां कौन बैठे हुए हैं, वहां पे जी दानियाल चौधरी हैं,
ये वो हमारे दोस्त हैं, डरते हैं उनके मुतलिक बात करते हुए, मैं डरता हूँ उनके वाले साहब की वजह से, हम भी डरते हैं सर, हम भी डरते हैं। मगर वो चार साल तक ये दानियाल साहब बेचारे ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, रगड़ा लगा लिया, मगर वो उसको वजीर नहीं बनाया इन्होंने, वो उनके उनको सुप्रीम कोर्ट का वैसे उनको ग्रेटफुल होना चाहिए कि डिसक्वालीफाई ना कर दे, नवाज शरीफ साहब ने तो उनको वजीर नहीं बनाया, उनके जाने के बाद वो बेचारे वजीर बनाए, अब सडनली वो बड़े लाडले बन गए हैं। तो एक तो वो बैठे हुए थे, फिर साथ अब सार आलम बैठे हुए थे, वो बेचारे अभी कल परसों जो है ना नौकरी से फारिग हुए हैं, डिग्री ना होने पे सही, तो वो अब वो बैठे हुए हैं साथ में, डिग्री सही थी उनकी, डिग्री की पूरी रिक्वायरमेंट मतलब जो थी जरा थोड़ा सा प्रैक्ट कर लें। साथ में परवेज रशीद साहब थे, परवेज रशीद साहब को इन्होंने खुद जो है ना इस बात पे कि उन्होंने कोई बयान गलत दे दिया था डॉन लीक्स के अंदर जो है ना नौकरी से फारिग कर दिया। चौथे जो इरफान सिद्दीकी साहब थे, वो ज़ाहिर है वो ज़्यादा मीडिया के मशीन हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अगर आप पार्टी का नया लीडर और नया कैंडिडेट अनाउंस कर रहे हैं वहाँ पे पार्टी की लीडरशिप ज़फ़रुल हक बैठने चाहिए, वहाँ पे साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, नए प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो होने चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। आपकी बातें ज़्यादा काट रहा हूँ, सॉरी, जरूरी है, अगर ये राजा ज़फ़रुल हक को ये आपने दूसरा नाम लिया, साद रफीक साहब को, और कौन सा नाम लिया आपने, तीन चार, मैंने कहा पार्टी के ख्वाजा आसिफ हो गए या प्राइम मिनिस्टर खुद हो गए, चौधरी निसार उनके बेस्ट फ्रेंड को बनाया जा रहा है कैंडिडेट। अब रुक जाए जरा, अगर इन चारों पांचों को कोई तकलीफ नहीं है कि जी हमसे मशवरा किया बगैर अनाउंस किया, आपके आपके पेट में मरोड़ क्यों उठ रहे हैं? नहीं, मैं तो उन्हें कोई शिकायत नहीं, किसी ने कहा है, मैं एक तरफ उन्होंने कहा है कि हमें इज्जत दी जाए और हमें हमसे पूछा जाए या हमें हमें बिठा के मशवरा किया जाए या ये चार लोग क्यों बैठे, उन्होंने कहा है। मैं आज अब शरारत के मूड में, शरारत नहीं, वो जिस वो तनख्वाह पे काम कर रहे हैं वो खुश है, कल कुछ हुआ है कोई खानदान में या लड़ाई हुई है या एकदम जो है ना उनको ये कुछ आश्कार हुआ है प्राइम मिनिस्टर को, अब क्या, अब वजह कि इस तरह की कोई ग्रैंड ओपनिंग नहीं हुई, इसकी बड़ी सॉफ्ट लॉन्चिंग हुई है, खबर लीक करके सिर्फ दो अखबारों में दो बंदों के जरिए दी गई है, इस तरह बहुत बड़ी खबर थी क्लास साहब, ये बड़े तरीके से आनी चाहिए थी, उसके पीछे ये लीड स्टोरी, लीड स्टोरी तो लगी थी और क्या होना था, स्टोरी तो जाहिर है, मुझे ज्यादा क्या चाहते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ क्यों हमारा काम है इसकी जो है ना जस्तजू करना कि क्यों, अब क्या सी कर सकते हैं ना, मतलब आप वो बनना चाहते, फुफे कटनी क्या कहते हैं, फुफे कटनी क्या कहते हैं, कुटनी, फुफे वो बनना चाहते हैं तो बन ले, आमिर साहब फुफे कुटनी इसाफत है ही, फुफे कुटनी आधा काम ही हमारा, आप तस्लीम कर रहे हैं क्या करें, ऑफ कोर्स जो है आधा काम यही है। अब सबसे बेस्ट तबसरा तो क्लास साहब इस पे ना वो आया शेख रशीद साहब का, कह जी ये पुरानी जो है ना राम और शाम की फिल्म चला रहे हैं कि एक भाई जो है ना वो अच्छा बन जाता है, एक भाई बुरा बन जाता है, एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट है और एक एंटी जुडिशरी पे वो कह रहा है कि मैं इनको ठीक कर दूंगा, रोज के जो वो तो कैरेटन स्टेक जो 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 वो चल रहा है, तो एक भाई आ गया है वो शहबाज शरीफ के बार बार आज सारा दिन क्लिप चल रहे थे कि उनसे वो शाहजेब साहब पूछ रहे हैं कि जनाब ये जुडिशरी, उनका ना जुडिशरी के खिलाफ मैं बात ही नहीं करूंगा, मैं इस पे बात नहीं करूंगा, मैं आप मुझे ट्रैप कर रहे हैं, मैं नहीं करूंगा ना, तो राम और शाम तो वो उनका बेस्ट तो विजयन वीरू भी थे ना, वो भी थे राम और शाम, इस तरह की 10-20-30 मिले जो जैक बार लंबी वो है, मगर मेरा ख्याल है कि इसके पीछे दो तीन जो क्या सराई की जा सकती है, जो मफरूजे बनाए जा सकते हैं, एक तो ये है कि नवाज शरीफ साहब पे फाइनली ये हकीकत आश्कार हो गई है कि वो नाअहल हो चुके हैं और उनका फौरी तौर पे जो है ना सियासत में तो हो सकता है मगर प्राइम मिनिस्टर मुल्क का दोबारा बनना बड़ा मुश्किल है, पहले वो समझते थे कि वो कोई मौजा हो जाएगा या तो ये पार्टी पागल हो जाएगी और लोगों की टकरे मार देगी पार्लियामेंट के अंदर कि ये कैसे हो गया, या जो है लोग सड़कों पे आ जाएंगे और जीटी रोड वो गए ट्राई की मगर वो ऐसी बात नहीं थी, बड़ा बहुत ज़्यादा पैसे खर्च के वो बड़ी छोटी सी रैली निकली, उसके बाद उनका ख्याल था कि शायद इतना प्रेशर आएगा कि जुडिशरी खुद ही वापस मजबूर हो जाएगी कि मैं इतने हमले करूँगा कि फैसला वापस ले ले, तो फाइनली मेरा ख्याल है कि वो सारा उनको आश्कार हो गया कि ये नहीं हुआ और नहीं होने जा रहा है, ठीक है। तो अब खुद वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते तो किसी ना किसी ने तो बनना है, साहबजादी उनकी अभी बड़ी छोटी हैं, नादान भी हैं और बहुत कंट्रोवर्शियल भी बन चुकी हैं, दुनिया के 11 पावरफुल तरीन खवातीन में शामिल किया गया, आमिर साहब आप गुस्ताखी कर रहे हैं, और न्यूयॉर्क टाइम्स की सुने
कि खबर है जनाब, उन्होंने खबर उसमें खबर में छपने के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स में जब वो पावरफुल तरीन खवातीन की लिस्ट में आई हैं, हालात और ख़राब हो गए हैं। वो अभी पहले तो किसी का सुन भी लेती थी ना, अब उन्होंने सुनना ही बंद कर दिया। तो शहबाज शरीफ साहब ने मेरा ख्याल फाइनली ये कहा जी फैसला करें। अब ये एक चांस ये है कि घर में फैसला नहीं करेंगा तो शायद खाकान अब्बासी साहब भी है ना, वो भी होता है कि पार्टी के अंदर भी लोग जब एक ऑफिस होल्ड करते हैं तो उनका अपनी भी एक ताकत बन जाती है, तो वो जो है ना नहीं, तो उन्होंने फाइनली ये वाला कर दिया है। क्योंकि उसकी वजह क्या है कि उनको ये पता लग गया है कि सबसे इंपॉर्टेंट है अगला इलेक्शन जीतना, जो भी इन मुकदमात का रेफरेंसेस का अदैबिया का बला बला फैसला होना है, तो अगली दफ़ा वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट किसी को जेल भी हो जाती है तो हुकूमत अपनी होनी चाहिए। तो उसके लिए जो है ना बेस्ट चांस जो लिया जा सकता है ना वो शहबाज शरीफ साहब पे है कि वो क्या है। अब जो है इसके अंदर दो चार सवाल आ जाते हैं, एक ये कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट तो बता दिया है, चीफ मिनिस्टर पंजाब का नहीं बताया कि वो कौन होगा जो है। अब ये पता नहीं स्वाप हुआ, अंडरस्टैंडिंग हुई है कि ये बनेंगे तो मरियम वहाँ पे जाएंगी, हमजा जाएगा या सनाउल्ला साहब बनेंगे, कौन बनेगा वो एक ओपन रख दिया है, तो ये एक पार्टी को दे दिया। दूसरा मेरा ख्याल उन पर एक और हकीकत आश्कार हो गई है, मुझे आश्कार बड़ा आजकल फेवरेट मेरा वर्ड बना हुआ है, वो ये कि उनको रियलाइज़ हो गया कि ये जो नून लीग है ना जिसे वो इनकलाबी पार्टी बनाने जा रहे हैं, कि ये सड़कों पे आके एक इनकलाब लेंगे, उनको किसी ने समझाया कि जनाब ये हमेशा से पावर पार्टी रही हुई है, इनसे ये स्टेटस को की पार्टी है, ये इनसे ये ना एक्सपेक्ट करें, इन सबके मफादात हैं, जिस तरह आपके मफादात हैं सबके मफादात हैं, सारे बड़े फिक्रमंद हैं कि जो आप ये बिल्कुल आप ललकारे मार रहे हैं, और जो जुडिशरी से भी लड़ना है आपने, फौज से भी लड़ना है, तो ये लड़ने वाली पार्टी नहीं है। आपके अपने बकौल जो आपने बताया था कि उन्होंने कहा कि मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था, उनका ये होने जा रहा है। अब जो है लास्टली आप पे छोड़ता हूँ, आपके पास एक आज मुल्तान मेट्रो लेके बैठे हुए आप सारा, उसमें शहबाज शरीफ साहब जो है ना उनका आज का ही बयान है कि मुझे मौका दें अगली दफा मैं आपका पानी ठीक कर दूंगा। अब 10 साल बाद, अब 10 साल बाद इस दफा, और पहले भी एक चीफ मिनिस्टर 13-14 दफा खुद रहे हैं 25 साल बाद, एग्जैक्टली क्वेश्चन माई क्वेश्चन इतनी जल्दी क्या है 10 साल बाद खुद ख्याल आ गया कि पानी। और ये कल परसों की सिर्फ 2-4 खबरें हैं कि कल एक खबर में पढ़ रहा था कि पंजाब के अंदर 50,000 हेपेटाइटिस सी के जो है लोग हर साल मर रहे हैं, हेपेटाइटिस 60,000, ये पिछले दिनों न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर थी कि 60,000 लोग जो है ना ये जो स्मॉग थी इसके लेवल 1,000 तक गया था, 60,000 लोगों के को ऐसी बीमारियां इसमें लग गई होंगी कि जो उनको बीमार होंगे या मर सकते हैं, इतना बड़ा फिगर है। उसके बाद आज मुझे मुशर्रफ जादी साहब मिले थे, वो कह रहे थे कि 1 करोड़ बच्चा 25 साल से ये पंजाब में पावर में है, 1 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, और बाकी 2-4 करोड़ बच्चे जो है ना उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है बस वो ऐसा ही है जैसा बाकी पाकिस्तान के अंदर है। तो ये मैं ये सोच रहा था कि ये आगे का मुस्तकबिल पाकिस्तान का, अगर शहबाज शरीफ साहब आ गए, राम की जगह शाम आ गया, तो कैसा दरख्शा नजर आता है ये। सही, मुल्तान मेट्रो की बात है क्लासा, मैं अपना भी सवाल आपके साथ ही छोड़ देती हूँ। नवाज शरीफ साहब नायल हो गए हैं, शहबाज शरीफ साहब को कहा कि वो सामने लेके आएंगे, अपोजिशन इस पर खिलाफ है शहबाज शरीफ साहब की, क्या समझते हैं सियासी चाल होगी या वाकई इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी? आमिर साहब ने इस पर बड़ा तफसील से बात की, मैं 2-4 मेरे जहन में आज पता नहीं क्यों इस तरह की शेयर कर लीजिए, खुद को मैं अपने आप को सीरियस क्यों नहीं ले पा रहा। 2-4 चीज़ें, न्यूयॉर्क टाइम्स की अभी हमने बात की ना, ये मरियम नवाज़ साहबा की, खुद इनकी मुनाफ़तें देखें इंटरनेशनल मीडिया की, क्या मरियम नवाज़ जैसी जिस पे इतने सारे इल्ज़ाम हों, अदालतों का सामना कर रही हो, क्या न्यूयॉर्क टाइम्स उसको अमेरिका की पावरफुल वुमेन में शामिल करेगा? इस वक्त ट्रंप के खिलाफ सबसे ज़्यादा लड़ाई कौन लड़ा है? क्या आप करप्ट भी हैं, नाहल भी हैं, इनकॉम्पिटेंट भी हैं, मोनोपोली भी की हुई आपने, आपके बिजनेस आपका फेयर है, न्यूयॉर्क टाइम्स आप या आपका CNN कर है? मुझे जो इनकी बेमान को BBC को उठा के देख लें, वहाँ पे दानिशवार जो हमारे बैठे हुए हैं, या आप ये वैसे अमेरिका में देख लें या दीगर दुनिया के बाकी जो हैं, उनको पाकिस्तान में वो करप्ट लीड को सपोर्ट करने में देर नहीं लगाते। ये जरा उनके जो दानिशवार हमारे बहुत सारे बैठे हुए हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में या इंटरनेशनल मीडिया में, वहाँ पर उन्हें ब्रिटेन में किसी ऐसे प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करके दिखा दें वहाँ पर, कि जो करप्ट हो, वहाँ का गार्डियन टाइम या दीगर कोई इदारा जो है ना, इवन BBC, इन्हें कहेगा आर्टिकल तो उसके हक में आप छाप के दिखाएंगे, खैर है वो तभी करप्शन होती रहती है। तो ये जो ये चीज़ है ना, मेरे लिए सम टाइम इनको डिजेस्ट करना मुश्किल होता है कि न्यूयॉर्क टाइम अपने यहाँ इस तरह की किसी खतून को आगे नहीं आने देगा, वो बिल्डोज करके रख देगा कि अमेरिकन जमहूरियत के लिए सिस्टम के लिए ये कितना खतरनाक लोग हैं, जिसकी मिसाल मैं ट्रंप की दे रहा हूँ। लेकिन अब पता उनको किसने कैल किया है कि मलिया लोधी साहबा और पता आर्टिकुलेट है माशाल्लाह बड़ी इंटेलिजेंट है, उनकी किसी एडिटर से मुलाकात होगी उन्होंने कोई बैठ के कोई करिश्मा दिखाया, तो दैट समथिंग एल्स। दूसरी बात, अभी आपने बात की ना, आप एक मिसाल देना भूल गए हैं
आपने राम श्याम की तो ना उसमें इंडियन फिल्मों में से मिसाल दी, लोकल भी हैं जो आप देते होते हैं, कैफी साहब और इनायतुल्लाह भट्टी की या वाकई भूल गए, भूल गए आप उसको राम श्याम की बजाय वो मिसाल देते कि दुनिया में फिल्म जो फिल्म प्रोड्यूसर और बड़े होंगे, डायरेक्टर्स और बड़े होंगे, हिदायतकार और बड़े होंगे, गुलूक लेकिन कैफी ओदी कोई जवाब नहीं, लाले का कोई जवाब नहीं, देने का कोई जवाब नहीं सर। सो ये इसमें दो चार चीज़ें, तीसरा जो आपने बताया ना कि कैसे यहाँ आपके शहबाज शरीफ साहब आ जाएंगे, वहाँ पे मरियम चलेंगे, आप पंजाब में जा सकते हैं, वहाँ से हम सब फैसला कर लिया है। मैं आजकल अभी मैंने सीजन वन ख़त्म किया स्पार्टकस का, रोमन जो गुलामों ने जो बगावत की थी, तो नेटफ्लिक्स पे पहला सीजन किया, मुझे ऐसे लगा है कि आपने एक लम्हे में पूरी उनकी उनकी जो एक गुलामों की ट्रेड होती थी, जितनी फैमिलीज थी रोमन्स बिग फैमिलीज, वो अपने अपने रखती थी, गुलाम रखती थी कि क्या उनसे ये बड़ा ग्लेडियर्स हमारे पास, और जिस तरह उनकी ट्रेड ऑफ होती थी कि ये आपके पास चला गया और उन्होंने झत्ते बनाए हुए थे कि ये हमारे ग्लेडिएटर्स हैं, ये अरीना में जाएंगे, लड़ाई करेंगे, तलवारें बला बला, और वहाँ पर जो ब्लड शेड होती थी आपने भी वो सारा देखो स्पार्टकस का जो है, मुझे ऐसे ही लगा है कि ये कोई रोमन्स इलीट है जो हमारे ऊपर इस मुल्क पे ये नाजिल हुई हुई, आप और मैं वो उनके सबर्ब के या दूर दराज के एक तरह के स्लेव्स हैं जिनको ये पकड़ के ले हैं, जिनको एक एक हमने बैठ के जमहूरियत का नाम दे के ऊपर ये बैठे ये लोग जो हैं ट्रेड ऑफ कर रहे हैं कि हमारे गुलाम जो है ना ये इन्होंने किस किस को वोट देना है, अरीना में किसके साथ खड़े होने हैं, कौन सी पार्टी के साथ इसकी फाइट होनी है, कितनी इसमें हमने बेट करनी है और कितना इन्होंने हमें पैसा देना है और कितना इन्होंने हमें एंटरटेन करना है अरीना में खड़े होकर। मुझे तो सारी वो रोमन हिस्ट्री जो है जो उनका उन ग्लेडिएटर्स की जो ऊपर बैठी थी क्लास बैठी थी तो वो नजर आती है, ये अलहदा चीज़ है, कुछ स्पार्टकस कोई बंदा हमें नजर नहीं आ रहा जो गुलामों को इकट्ठा करे, जो खड़ा हो इनके खिलाफ बगावत करे। लोग कहेंगे इमरान खान साहब, इमरान खान साहब ने स्टार्ट में कोशिश की थी, फिर उन्होंने कहा नहीं ना डू इन द रूम एज अ रोमन्स डू, उन्होंने अपने ग्लैडिएटर ढूंढ अपने ग्लैडिएटर ढूंढ लिए, मैंने भी ये रोमन हॉलिडे खेल दी, मैंने रोमन हॉलिडे खेलनी है। सो हमारे लिए जो प्रॉब्लम आ रहा है जिस तरीके की चीजें कर रहे हैं, और दूसरा मेरे साहब स्टेक्स बड़े हैं, ये मैं तो पहले दिन से कहता रहा हूं कि ये ना शहबाज शरीफ साहब हूं या नवाज शरीफ, इन भाइयों की बातों पे कभी ना जाएं। अभी ब्रेक से वापस आके इस पे ये गुड कप बैड कप इतना खूबसूरत तरीके से खेल रहे हैं कि अब उन्होंने कहा वजीर आजम बन जाओ, चलिए दो महीने पहले उनको सदर बनाने को तैयार, वापस आए जरा थोड़ी सी बिल्कुल इसे मजीद बात करते हैं कि कैसे चूना लगाने के महर हैं और हम उन्हीं की तरह वो जो उसमें उसमें स्लेव्स थे, हम बैठ के कैसे इनके लिए इनको एंटरटेन करते हैं, कैसे ये कौम को चूना लगाने के माहिर हैं, इस पर तो ब्रेक से वापस आके बात करेंगे। इसके साथ साथ चाइना ने जो मुल्तान मेट्रो प्रोजेक्ट में मुबैना करप्शन करने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया है, क्या वाकई उन्होंने शहबाज शरीफ को मिस्टर क्लीन साबित कर दिया, इस पर भी बात करेंगे। और फिर मनपसंद अफराद क्या, तो पंजाब की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तबाही का जो मनसूबा तैयार किया गया है उसकी तफसील भी आपसे शेयर करेंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रिया में हम आपको खुशामदीद कहेंगे, मुल्तान मेट्रो की बात होगी क्लासा साहब, लेकिन आप बताने वाले थे कि ये दोनों भाई आवाम को चूना किस तरह से लगाते हैं। अभी जो आमिर साहब ने बातें की है ना बड़ी वो अहम थी, थोड़ी सी मुझे एक आध किसी बड़े इनके पढ़े लिखे समझदार एक दोस्त ने एक मैसेज किया है, उन्होंने कहा कि दो तीन चीज़ें हैं जो हमारी गुफ्तगु से उनको लगी हैं। एक तो दोस्त ने कहा है कि बड़ी सॉफ्ट लॉन्चिंग वो कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को, क्योंकि इस वक्त अगर मरियम की लॉन्चिंग करते तो लोग उन्हें शायद एक्सेप्ट नहीं करनी थी पार्टी के अंदर से भी, आप पते ना चौधरी निसार अली खान साहब ओपनली कह चुके हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब अगर मैं गलत नहीं कह रहा वो भी इस पे एतराज़ कर चुके हैं, ये तो वो दो हैं जो वोकल हो चुके हैं, बाकी किसी ने मीम कर टूटने से बचा लिया है, ये वर्चुअली डिवीजन हो चुकी हुई थी, लिहाजा कल को अगर इनको जरूरत पड़ गई ना तो कोई पता नहीं मरियम को सामने ले आए, जब जैसे पहले कहा था शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम होंगे पर बाद में कहा नहीं जी कि हम शायद खकान अब्बासी साहब को करेंगे, माल पानी वो बहुत सारा एलएनजी के बड़े सारे मामला अभी रहते थे, तो कोई पता नहीं कल को अगर ये पार्टी ये जीत जाती है तो फिर वो मरियम साहब को आगे सामने ले आए कि जनाब आप उसी तनख्वाह पे काम करें वहीं पे पंजाब में करें, या हमजा को ले आए जो भी करें, हम तो अरेबिया और रेफरेंस से सारे ये बच गए, तो ये उनको ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब ये हकीकत मान चुके हैं जिसकी तरफ आमिर ने थोड़ा सा इशारा किया है, तो फिर तो वही वाली बात कि पार्टीज ओवर, कि आप तो इरेलीवेंट हो गए, अब नवाज शरीफ साहब तो इरेलीवेंट हो गए, जब इरेलीवेंट हो चुके हैं आप वजीर आजम खुद नहीं बन सकते, बेटी आपको अपने आप को वो समझ नहीं रहे कि वो भी वजीर आजम बन सकती हैं, इसके लिए है तो फिर आप कहते हैं तहरीक चलाऊंगा मैं अदलिया के खिलाफ, आप किसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे, आप वजीर आजम भी अपना बनाना चाहते हैं, इलेक्शन भी लड़ना चाहते हैं, उन्होंने कहा ना दोनों काम करेंगे, हम वजीर आजम भी बनाएंगे तहरीक भी चलाएंगे, मतलब ये वही वाली बात है, गाजर भी खिलाओ डंडा भी साथ रखो, ये काम ये अदलिया के साथ ये यही काम कर रहे हैं, जैसे उन्होंने बाकी मैंने कल भी कहा था ये गाजर भी खिलाते हैं और साथ में डंडा भी लेकर बैठे हुए थे, सारा दिन ये अब्यूज करते हैं अदलिया को, उनको धमकियां देते हैं, रिटिकूल करते हैं,
और अगली सुबह वो ख्वाजा हारिस को एक अदद पटिशन दे के भेज भी देते हैं अदालत में, जाए जरा ये रिलीफ लेके हमारे लिए। कैरेटर स्टिक बड़ी सादा सी लगती है, जब आप गाजर और डंडा कहते हैं वो डारी जाता है। मैं जरा वही उसको ट्रांसलेट करके कह रहा हूँ ना, जैसे अब इसहाक डार साहब के उन्होंने उसके खिलाफ एक्शन रोक दिया है कि डार साहब को रिलीफ मिल गया, मतलब हमें समझ नहीं आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट कुछ ऑर्डर्स कर रही है, निचले लेवल पर जो कोर्ट्स हैं वो रिलीफ दे रही हैं, जनाब इनको रिलीफ दें, चलें जी दें जी। ये है वो ये कैरेट एंड स्टिक की गाजर है डंडे का कमाल। आप इस स्ट्रेटजी को समझें जरा, ये बड़ी इनकी वेल थॉट है जो हम कहते हैं ना। अब हुदैबिया पे बिल्कुल कहीं से एक एक, एक इनकी छोटी सी भी नवाज शरीफ साहब ने बात की है, हालांकि यही हमारे साकिब निसार साहब हैं, बड़ी हमारे दिल में इज्जत है। हमने आपको 15-20 केसेस उनके उनके दिखाए हैं कि उमर बंदियाल साहब हूँ या चीफ जस्टिस साकिब साहब हूँ, इनके फैसले हुकूमतों के हक में हैं। हम कह देते हैं मेरिट पर होंगे, हम ये नहीं कहते कि उसमें थी, 15-20 जो बड़े की फैसले थे वो हक में हैं, वो आपको नहीं आपको नजर आते एक खिलाफ आया तो एक आ गया आपके, तो उसमें आपको अच्छा उसमें किसी के हक में गया, इमरान खान को ये किया ना कि नाहल नहीं किया, इनके खिलाफ तो इन्होंने नहीं दिया, इनको नहीं दिया उसी में तो उन्होंने उनको तो वो कर दिया है, हुदैबिया में तो उनको फेवर कर दिया, जैसे उन्होंने पूरे मीडिया को उन्होंने कहा कि खबरदार किसी ने हुदैबिया पे बात की बात नहीं करने देंगे आपको सारा, फिर भी नाराज है, हुदैबिया का जिक्र नहीं है। सो ये थोड़ा सा इनका एक बड़ा एक समझदार किस्म का खेल है आमिर साहब वो भी, और इसमें बड़े स्टेक इन्वॉल्व हैं। 10 अरब रुपया इनकी सिक्योरिटी पर 10 सालों में लगा, इनके तो अब माशाल्लाह के दामाद आ गए हैं, उन दामादों के बच्चे हो गए हैं, उनको कंपनियां चाहिए, उनको सीईओ लगाना है, उनको बिजनेसेस आपने देने हैं, आपने बैंकों को कंट्रोल में रखना है, आपने यहाँ इंस्टीट्यूशन जो है रिश्तेदार आ गए हैं, उनके जहाज हैं, कंपनियां हैं, बिजनेस टेक्स हैं। अच्छा आगे फिर आपने उन शहबाज शरीफ साहब ने चार चार अपने घर जो हैं जो उन्होंने शादियां की, एक एक घर को उन्होंने आगे कैंप ऑफिस डिक्लेयर किया, उसको कैंप ऑफिस डिक्लेयर किया है, उसको आपको रेमेंट का खर्चा सारे का सारा ये पाकिस्तानी आवाम के टैक्स से चल रहा है, अपना तो अपनी जेब से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्डर है, पूरा लाहौर का जो है कश्मीरी बरादरी है, बड़ा लंबा है कश्मीर के अलावा, अब उसके अलावा बहुत सारी बरादरी, पूरा एक नेटवर्क है जो 30 साल से इनके साथ जुड़ा हुआ है, सही ठीक है, सबके ठेके लाइसेंस स्टेक पे हैं, सो इस पे बड़ा स्टेक पे है, खुद अपने घर का किचन स्टेक पे है सर, इनको तो आदत नहीं, 10 सालों में तो इनको आदत, वहां सऊदी अरेबिया इनको इनका किचन चला रहा था सरूर पैलेस में, वो खिला रहे थे, यहाँ पे ये आए हैं तो उसके बाद चीफ मिनिस्टर बन गए, वो भी आपकी आपकी कौम की जेब से खाते रहे, उधर से प्राइम मिनिस्टर बन गए 2013 में, वो भी आपका रेवेंट का वही खर्चा चलता रहा, और भाई साहब पिछले 20 सालों से तो इन्होंने अपने अपने किचन की इन्होंने चाय तक जेब से नहीं पी, आप वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं कि ऑल ऑफ सडन कोई इनका वजीर आजम ना रहे, कोई बंदा आगे पीछे हो जाए, कोई और वजीर आजम बन जाए, कोई और वजीर आला पंजाब में बन जाए, इनको अपनी जेब से खर्चा चलाना पड़े, इतनी सिक्योरिटी 3,000 इन्होंने अपनी अपनी सिक्योरिटी पे बंदे रखे हुए हैं, या 40-40 गाड़ियों पर चलते हैं, स्टेट पर बहुत कुछ था, लिहाजा ये कहना शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब की लड़ाई है, हमने मार हम सियासी तौर पर लोगों को हम आगे खत्म कर देंगे या हम खुद खत्म हो जाएंगे, नो सर ये हो नहीं सकता था, इन्होंने जेब से ये इनका इनका बटवा कभी किसी ने देखा ही नहीं है, सारे का सारा स्टेट एक्सचेक कर रहा है, स्टेट का पैसा है, ठीक है, भूल जाएंगे दोनों भाई लड़ पड़ेंगे और आपस में कोई इख्तलाफात आएंगे, एक भाई जाएगा रोमन ग्लेडिएटर की तरह उसको दूसरा आके, ठीक है वो कौम का पैसा है क्लासेस साहब सारा, इस कौम के पैसे में मुल्तान मेट्रो प्रोजेक्ट को हम नहीं भूल सकते। मिस्टर क्लीन वाकई हो गए शहबाज शरीफ, हम जा रहे हैं कितना बता दें जरा, अभी एक एक और दुखी दास्तान और ये मेट्रो पे आने से पहले हम याद दहानी करा दें, वो कहते रहते हैं एक पाई का भी हिसाब एक ढेले का कर दें तो मैं शस्त्र छोड़ जाऊंगा, और एक दफा हमने बैठ के 25 गिनवाए थे कि ये 25 तो गिन लें, एक नहीं है वाकई 25 हैं, अमित साहब ठीक कहते हैं एक धेला तो है नहीं, एक धेला नहीं इस पे तो वो सच्चे है, एक धेला तो वाकई नहीं है सर इसलिए वो ठीक कहते हैं। आज बड़ा इंटरेस्टिंग काम हुआ अमित साहब, दो चार अखबार में और ये साफ जाहिर है ये काम करवाते होते हैं DGPR जो होते हैं ना पंजाब के, ये उनका काम होता है, अपनी अपनी मर्जी का एक अदाद वहां से जकूटा पकड़ के ले आते हैं जिसको DGPR लगा दिया जाता है, वो बच्चे जमहूरी की तरह 7 दिन अखबार वालों को खिदमतें भी करता है, कालम निगारों को फोन भी करेगा, किसी की जाके चंपी शंपी भी करेगा, किसी को खाना खिलाना है, किसी को कमरा लेके देना है, किसी को इश्तहारात देने, ये DGPR पंजाब का काम होता है माशाल्लाह। उसके जरिए आज उन्होंने बड़ी खबरें स्प्लैश करवाई हैं सारे अखबार अपनी मर्जी के हेडलाइन और तमाम अखबार में, जिससे ये मतलब शक नहीं यकीन हो जाता है कि ये खबर सारी की सारी बन के आई है और आगे दे दी गई है कि ऐसे ही लगानी, सबकी हेडलाइन एक जैसी है, एक ही है कि चाइना ब्लैक लिस्ट कंपनी दैट डिफेम्ड ये शहबाज शरीफ, अंग्रेजी में भी वही है, उर्दू में भी वही है, दो चार और अखबारों में भी उन्होंने यही तरह लगाई हुई है। मैंने उसके बाद अपने जो हमारे रिसर्चर और शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया बहुत बड़ा सुबह बुखैर करके, उन्होंने कहा जनाब कि चाइनी हुकूमत ने इन्होंने जिन्होंने मुझे आके डिफेम किया था उसको उन्होंने वो कर दिया ब्लैक लिस्ट कर दिया, मैं विंडिकेटेड हो गया हूँ जिस तरह वो कह रहे हैं हदाबिया में, मैं क्लियर हो गया हूँ, यहाँ से भी क्लियर, यहाँ से क्लियर हो गया। मैंने अपने जो रिसर्चर है हमारे हैं बड़ा जालिम रिसर्चर है हमारा पता है किस्मत खान, मेरा किस्मत खान जरा थोड़ा सा वो चाइनीज अखबार ढूंढो, उस कंपनी का प्रेस रिलीज ढूंढो जो वहाँ पे है, चाइनीज रेगुलेटर की प्रेस रिलीज निकालो दो चार पेजेस की, वहाँ पे क्या छपा है हमारे साथ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आई हैं। पहली बात तो ये कि हमने तो कभी अक्यूज़ नहीं किया था कि शहबाज शरीफ साहब ने उसमें पैसे खाए, वी नेवर सेड, जिन्होंने कहा होगा ये वो बात कह सकते हैं,
हाँ हम जो फॉलो करते रहे सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी जो सलीम मांडवी वाला साहब ने की थी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हुई थी, वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए थे जो हम लेके आए थे, इमरान मगराना साहब जो हैं हमारे रिपोर्टर है वो मेरे साथ जाते हैं, हम दोनों कवर करते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स है जो पाकिस्तानी SCCP ने वहाँ पेश किए थे ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम चाइना, कि चाइना ने इनको इनको भेजी थी, इन्फॉर्मेशन भेजी थी कि हमारे यहाँ एक कंपनी है यबीत उसका नाम है, वो ये कहती है कि जनाब कोई 3 बिलियन रुपीज़ कैश पाकिस्तानी वो ले के आए हैं जिन्होंने उन्होंने डिक्लेयर किया है वहाँ चाइना में कि जनाब ये पैसा जो है ना हमने मुल्तान मेट्रो में हमने कमाया है, और कैसे कमाया है कि हमें मुल्तान मेट्रो का एक वहाँ पे सेक्शन दिया था उन्होंने कोई थोड़ा स्टील वगैरह का कोई इस तरह का काम था, छतें बनानी थी 3 अरब 25 करोड़ रुपये का, सॉरी 75 करोड़ का, 3 अरब 75 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट था, 75 करोड़ हमने खर्च किया, 3 अरब रुपया हमारा ये प्रॉफिट है, जरा दुनिया का ये सारी चीज़ें उनकी लिखी हुई हैं, ये चाइनीज ये रेगुलेटर ने लिख के भेजी सारी, खैर आ गई उस पर उन्होंने जरा तहकीक करके बताएं ये वाकई सच है, क्योंकि वो चाइनीज भी बेचारे परेशान हो गए कि दुनिया का कौन सा प्रोजेक्ट है कि 75 करोड़ रुपया खर्च करके 3 अरब रुपया कमा लो आप, उन्होंने ये वहाँ पे बताया जो जो चीज़ें बाकी आपके जहन को आती हैं, उन्होंने कहा जनाब कि हमने यहाँ पे हबीब रफीक साहब जो हैं, और हबीब रफीक साहब भी वो हैं जिन पे बहुत सारे स्कैंडल्स भी है और ब्लैक लिस्ट भी हुए हुए हैं DHA वैली के, उन्होंने अरबों रुपए लोगों के देने हैं और इनके सारे प्रोजेक्ट ये बिक्की शिक्की साहिवाल मेरल काफी सारे हाँ में वो पार्टनर्स हैं, कोई ईंट उठाएं तो नीचे से हबीब रफीक साहब निकलते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो बैठे हैं पेट्रोल जो है उनके ना वो मलिक रियाज साहब हैं, मलिक रियाज साहब जिसके हाथ पे वो रख दें वो उसकी तरफ फिर किसकी मजाल है कि उनको क्या हो, उन्होंने क्या काम किया सर, वो जो काम हमारी FWO करती है वारदात तरीका एक है, वो चाहे सिविलियन हमारी कंस्ट्रक्शन एजेंसियां हूँ या हमारी फौजी कंस्ट्रक्शन एजेंसी हूँ, वारदात का तरीका एक ही है कि FWO क्या करती है, ठेका खुद ले लेगी और नाम इस्तेमाल करेगी भी हम क्योंकि फौज के हम तो बेमानी कार्य नहीं सकते भी बिल्कुल गलत नहीं होगा, ठेका ले लेते हैं बगैर बिडिंग कराए, इनको मिल जाएगा और आगे सबलेट कर देंगे 15% पे, 50% हमारा कमीशन दे दो बाकी वो पार्टीज में बांट लेंगे, जाओ बेटा जी काम करो, क्वालिटी क्या होती है वो मोटरवे को देख लें जिस तरह की बनी हुई है मोटरवे 60 रुपया जान लगी है, खैर यहाँ पे हबीब रफीक साहब ने वही काम किया सर, इन्होंने आगे से सबलेट किया, इनको मिल गया ठेका, उन्होंने दे दिया मुल्तान जो आप बनाओ, उन्होंने आगे से एक कंपनी को ठेका दिया सबलेट किया, उस कंपनी ने आगे से सबलेट किया, वो कहते ना कि नौकर के आगे चाकर वाला हिसाब काम किया जनाब, कि मालिक ने नौकरों का नौकर ने आगे चाकर से कहा कि जा जाए तू काम कर, उन्होंने हबीब रफीक को का ठेका दिया, हबीब रफीक ने किसी और कंपनी को दिया, उस कंपनी ने इनको ठेका दिया सर, अब जहन में रखें लिहाज हबीब रफीक का कहना जी हमने तो किसी को ठेका नहीं दिया, वो ठीक कह रहे हैं क्योंकि हबीब रफीक ने तो एक और पार्टी को ठेका दिया था जिससे इन्होंने कहा स्कैंडल एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए कह रहे हैं कि वो कंपनी जो है वो तीसरी जगह पे उसको ठेका दिया गया, हबीब रफीक का तो डॉक्यूमेंट ही नहीं है इस पे, सो उसके बाद ये चीजें जो है, अब आपको SCCP में वहां पे बैठे हिजाजी साहब बैठे हुए हैं जी, जफर हिजाजी साहब जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा गिरफ्तार करो FIR करो, हफ्ते बाद वो जमानत करवा के आ गए, पावरफुल इतने हैं इनके घर के आदमी सुप्रीम कोर्ट ने प्रूव किया है, सो ये लोग इन्होंने कार्रवाई क्या करनी थी, खैर मैं अगेन टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट सर, अब इन्होंने आज जो खबरें छपाई हैं उसमें 2-4 चीजें हैं, इन्होंने कहा जरा उन्होंने माफी मांगी है, उन्होंने बला बला उन्होंने कंपनी है माफी मांगी, ये सारा उनका माफीनामा हमने कहा ये निकाल के पढ़ा है, इसको 2-4 दफा मैंने पढ़ा है, 2-4 दफा किस्मत खां ने पढ़ा है, इसमें कोई एक लफ्ज दिखा दें उन्होंने माफी मांगी हो मुल्तान प्रोजेक्ट के नाम पर, या उन्होंने ये कहा हो जी हमने शहबाज शरीफ साहब जो है उनसे हम माफी मांगते हैं, या जनाब हमारा जो पैसा है मुल्तान से नहीं आया ये हमने किसी और जगह से लेके आए, उन्होंने माफ़ी मांगी है अपने रेगुलेटर से अपने चाइनीज से अपने इन्वेस्टर से जो इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है कि जनाब कि हमसे कुछ गलतियां हुई हैं कोई आके प्रोसेस में प्रोसीजर में या हमने वलेशन किया तो हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से इसमें कोई माफ़ी नहीं मांगी, ना उन्होंने ये कहा है कि हमने मुल्तान से पैसे नहीं कहे, हमने कोई हिंदुस्तान से पैसे कमा के लाए थे, एक भी चीज़ की इसमें डिनाइल उन्होंने नहीं की जो शहबाज शरीफ साहब क्लेम कर रहे हैं, ये उनकी आपको सामने मैं दिखा रहा हूँ, इन्होंने क्या काम किया सर, कुछ चाइना का इन्होंने एक रेलू कट्टा टाइप अखबार ढूंढा है, मैं ये कह सकता हूँ सर, उस पर इन्होंने एक खबर छपवाई है जिसका ना सारा ना पाऊँ है, आपने भी 4 दफ़ा पढ़ी है 4 दफ़ा मैंने पढ़ी है, उसी खबर को उठा के हमारे DGPR पंजाब साहब ने दी होगी वही अखबारात में लगा दी कि आगे रिपोर्टर ने एज इट इज उसको कॉपी करके छाप दिया, बल्ले 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 हमारा पहलवान जीत गया है शहबाज शरीफ साहब जीत गए हैं, कहीं इस तरह की खबरें खास नामों से आती हैं गेन एंड गेन आती हैं, वो बेचारे रिपोर्टरों को दे दी जाती हैं, अगर हमें भी पता है कि इस तरह की खबरों में क्या चीजें होती हैं, सो शहबाज शरीफ साहब ने वही पहलवान की तरह विक्ट्री क्लेम कर दी है, मतलब चाइनीज कह रहे हैं कि हमने एक बंदा पकड़ा है वो कहता है मैं 3 अरब रुपया जो है ये हम समझते हैं नजायज लेके आया है ये लीगल मनी नहीं है, उसने कहा है मैंने मुल्तान मेट्रो से लिए हैं, उसने हमें लोगों के नाम दिए हैं जिसके साथ उसने काम किया उनके उसने हमें सर्टिफिकेट दिए हैं, हम क्या कहते हैं कि जनाब ये बड़ा झूठा आदमी है हमारे यहाँ से कोई 1 रुपया नहीं गया, चोर कह रहा है कि मैं ले आया हूँ, छोटे छोटे सवाल है सब इस पे, पहला ये है
कि ये सी पैक सिर्फ एक कॉरिडोर नहीं है, ये जो बी आर आई बेल्ट एंड रोड एंड बेल्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसके अंदर 6 कॉरिडोर हैं लैंडर बेस्ड, 3 कॉरिडोर हैं मैरिटाइम समंदर के, और वो दुनिया के 100 मुल्कों में ये फैला हुआ है, इसकी एक्सटेंशन है पूरे 100 मुल्कों में। घूम फिर के उनको मुल्तान की एक कंपनी मिलनी थी मेट्रो की, उसके अंदर एक हबीब रफीक साहब का ही नाम मिलना था, जिसमें उन्होंने एक जिसमें सारा मुद्दा डालना था कि ये रिश्वत हमने ये जो इनसे लिए, 100 मुल्कों में से सिर्फ हमारा मिलना था और किसी का नहीं मिलना था। 215 दुनिया में अपने आप अपडेट कर ले। नहीं, सीपैक की एक्सटेंशन जो है 70 मुल्कों में पोर्ट्स और शिपिंग इन्होंने ड्राई पोर्ट्स वगैरह खरीदे हुए हैं जिसके अंदर इनके स्टेक्स हैं, और 100 मुल्कों में ये सीपैक जा रहा है। तो ये साजिश थी। दूसरा ये कि जो है ऑब्वियसली नजर आ रहा है कि प्रेशर चाइनीज पे डाला गया है कि जनाब सारा सीपैक खतरे में पड़ जाए, ये वहां के किसी चितड़े पे छुपवा दे, हम उसको खुद ही त्रोड़ मोड़ लेंगे। त्रोड़ मोड़ दे दिया गया, सारा कुछ कर लिया गया, मगर चाइनीज ने रिसेंटली उन्होंने हमारे 4 मेजर प्रोजेक्ट रोक लिए हैं, और जो खबरें हमारे यहाँ भी छपी हैं बाहर भी छपी हैं वो ये है कि जनाब आपके यहाँ ना निज़ाम ठीक नहीं है, करप्शन है, गवर्नेंस के इश्यूज हैं, तो ये अपने सॉर्ट आउट कर लें। काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने उससे वो बैकआउट कर गए हैं, वो इसी वजह से वो शायद इंतज़ार कर रहे हैं कि देख लें कि इलेक्शन कब होगा, अगली गवर्नमेंट कौन आएगी। उनको ऑलरेडी इन्हीं हरकत की वजह से इनडायरेक्टली उन्होंने कन्वे किया है कि जनाब ये आपके यहाँ कोई निज़ाम गड़बड़ है। ठीक है, अब ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। और चले मैं लास्टली इसको कह दूँ, अगर चाइनीज इस पर कन्विंस होते ना कि सब फ्रॉड है झूठ है, तो चाइना में करप्शन की सज़ा मौत है। उन्होंने इनको मौत की सजाएं नहीं दी, ये अहम उनके लिए इशू था। उन्होंने सिर्फ फाइन करके जुआन टाइप के जुर्माना कर दिया, एक जुर्माना करके जान छुड़ा, और उनको अपालोजी जरा जरूर पढ़ के पूरी कौम को ना, वो डीजीपीआर पंजाब साहब जो जहांगीर साहब सामान जो पता नहीं कौन है, उनको कहें हजूर ये इसका तर्जमा भी छपवाए अखबार में कल के, उससे किस तरह की अपालोजी छापी जिसके जरिए बल्ले बल्ले करेंगे। और फिर बिल आखिर कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई, इसके पीछे क्या कहानी है ये भी आपको बताएंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। शहबाज शरीफ की पंजाब हुकूमत के मजीद कारनामों पर बात होगी आमिर साहब, लेकिन सबसे पहले मैं कराची के हवाले से बात करना चाह रही हूँ कि एक जानब हम देखते हैं कि कराची शहर की बर्बादी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट सामने आती है, मगर अब फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं कि जिनके शादी हाउस गिराए गए उनके हक में मुजाहरा किया जाएगा। हक में मैं पूरी आपको तफसील बताता हूँ कि फारूक सत्तार साहब को इतने मरोड़ क्यों उठ रहे हैं, बताए ना। वो बात यह है कि हकीकत यह और बड़ी तकलीफ दे बात है कि सारी हुकूमतें सूबाई और फेडरल जो है ये कब्ज़ा ग्रुप्स की पार्टनर्स बन गई हुई हैं, ऑल ऑफ देम जो है सारे ये, इवन इमरान खान साहब भी मलिक रियाज के जहाज़ में फिरते हुए नज़र आते हैं, इन सब के ताने बाने बड़े बड़े कब्ज़ा ग्रुप्स के साथ हैं। ऐसे मौके पे फिर ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट को ही आना पड़ा, तनकीद तो बड़े करते हैं मगर सारी अच्छी खबरें आजकल वहीं से ही आती हैं। अब ये छोटा काम नहीं था, हमने पहले कह दिया था कि ये 10 खरब का 35,000 रफाही प्लॉट हैं जो पब्लिक की स्पेस थी, पार्क्स हैं इस तरह की पब्लिक के लिए जो स्पेसेस थी उस पर कब्जे हो गए हुए हैं कराची में, और ये आसानी से नहीं छूटने वाले, ये कई दहाइयों से सिलसिला चल रहा है, अरबों खरबों रुपए के मामलात हैं, ये आसान काम नहीं था, तो वही पता चल रहा है कि ये अब मुश्किल है। आप देखें ये जो तफसील है कि पार्क्स जो है ना, ये 8 पार्क्स आए हैं पब्लिक के सैर करने की, लोगों की जगह सैर व तफरी की जगह, इस पर कब्जे हो चुके हुए हैं। मैं तो तफसील पढ़ के परेशान हो जाता हूँ कि इसमें कब्रिस्तानों की जगह भी हैं, इसके अंदर जो है पब्लिक स्पेसेस भी हैं, फिर ये हिल पार्क, अजीज भट्टी पार्क, झील पार्क, सिटी पार्क, पता नहीं कितने पार्क हैं, शादी हॉल बन गए हैं, दुकानें बन गई हैं, सिनेमाज बन गए हैं, घर बन गए हैं, कोई 6 एकड़ का है, कोई 30 एकड़ का है, लंबे ही जो है ऐसे हैं, लंबे ही मामलात हैं। और मैं इंतज़ार कर रहा था कि सुनर लेटर हमने प्रेडिक्ट भी किया था कि ये होगा, फारूक सत्तार भाई आज आ गए हैं कि जनाब नहीं वो देखे ना जिनके वो हैं उनको कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन दें, बिल्कुल ठीक दें, ख़ास तौर पर उन गरीबों के साथ दें, कुछ तो उनका भी वैसे कसूर है कि उनको जब पता है ये कब्जे की ज़मीन है क्यों खरीदी गई, मगर फिर भी ख़ास तौर पे जो गरीब लोग हैं उनको तो देनी चाहिए, ये जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, बड़े बड़े शादी हॉल वाले हैं, इनको तो जेल में करना चाहिए। और साथ में फारूक भाई के वो तमाम दोस्त
जिन्होंने दिए सिंध में पिछले 30-40 साल से हुकूमत किसकी रही है जी, वो या MQM की रही है या पीपल्स पार्टी की रही है, और ये सीधे नीचे बेचारे कोई सरकारी अमले ने ब्यूरोक्रेट्स ने अकेले ये किया है, ये सारे पार्टनर्स इन क्राइम है। मोर MQM देन पीपल्स पार्टी इन कराची, ये खुद फारूक सत्तार भाई अगर खुद इन्वॉल्व नहीं है तो इनके तमाम जो चमचे चाटे हैं, ये KMC भी इनके पास रहा, KDA भी इनके पास रहा, हुकूमती भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी, मेन डिपार्टमेंट जो कराची को डील इनके पास रहे, इन सब ने मिल के लिए हैं, अरबों खरबों लिए हैं। अब जाहिर है वो जो है हिसाब मांगेंगे, जब वो जाएंगे प्लॉट जिसने पैसे दिए वो कहेगा जनाब पैसे वापस करें, आपने तो हमें दिलवा दिया था। अब वो बचाए इसके कि उनको वो किया जाए, तो वो आगे हैं मैदान में और ये आना था। तो मेरी दरख्वास्त सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ये है कि आपने बड़ा अच्छा किया है 30 दिन दिए हैं कि इसमें खाली कराएं, साथ में जब तक सरकारी अमले के साथ ये 5-7-10 ये जो पॉलिटिशियंस है ना इनको अंदर नहीं ना करेंगे तो ये काम ही चलेगा। ये आपके खिलाफ धरना देंगे, ये आप देखिएगा आने वाले दिनों में इतनी मूवमेंट बनेगी कि गरीब लोगों के साथ ज्यादती हुई है, 10 खरब के 35,000 रिफाई प्लॉट से कब्जा करके खा गए। लंबे हाथ यहाँ पे नहीं, लंबे हाथ तो पंजाब में भी मारे गए साहब। एक बड़ी अच्छी चीज सुप्रीम कोर्ट ने किया जो हम बड़े अरसे से कह रहे थे, KDA के आज 11 के 13 अफसरान को जेल उन्होंने भेज दिया है, ये काम आपको CDA के साथ करने की जरूरत है। ये MQM और पीपल्स पार्टी के उन पॉलिटिशियंस को भी 2-4 को करें तो तब ये सियासी कैदी बन जाएंगे, वो फौरन सियासी कैदी बन जाएंगे, फिर सेनेट और कौमी असेंबली में करारदादें पेश होंगी उन पे। यही काम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को CDA के साथ करना चाहिए था जो यहाँ पे बैठे हुए, जिस तरीके के पूरे इन्होंने इस्लामाबाद के साथ हशर किया हुआ, यहाँ पे कब्जे हुए हैं, इलीगल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की गई, सस्पेंड हुए हैं, मगर उनको सस्पेंड से कुछ नहीं हो रहा, वो बड़े लोग वहीं बैठे हुए हैं, बड़े लोगों को किसी ने कहा, किसी ने मेंबर को कुछ नहीं कहा, किसी को बड़े बड़े मेंबर बैठे हुए जो इस पूरे इसमें विलिंग डीलिंग में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट जरा ये कह तो चुकी है कि आपको जेल भेज देंगे, तो कराची सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने भेज दिए हैं, आज 13-14 भेजे हैं, यही आपको लाहौर में LDA के साथ करने की जरूरत है, यही यहाँ पे करने की जरूरत है। ये उसके ये बातों से मानने वाले नहीं है, ये ध्यान में रखें। मैं आपसे एग्री करता हूँ, साजिद कियानी और यासिर पीरजादा साहब के ऑर्डर हुए थे क्योंकि पार्लियामेंट को जवाब नहीं दिए थे, घंटों के अंदर वापस हो गए। वापस बड़े लोग हैं, बड़े लोगों पे हाथ नहीं डाल सकते। लास्टली मुझे उन लोगों के साथ जरूर हमदर्दी है जो वहां पे इन शादी हाल में बेचारे पूरे पंजाब से सिंध से मजदूरी कर रहे थे वहां पे, उनको पैसे एक एक महीने के, दो दो महीने के सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर करने चाहिए कि जो यहाँ पे आपके वेटर्स थे, काम करने वाले थे, उनको एक एक दो दो महीने की सैलरी जरूर दें ताकि वो जॉबलेस हो गए, उनके घर हैं, बच्चे हैं, उनकी फैमिलीज हैं। आई फील सॉरी फॉर ऑल दोज़ पीपल कि उन्हें तो नहीं पता था कि इन्होंने 30 साल में उनसे प्रॉफिटेरिंग की है, पैसे उनको कहें, इनको निकलवाएं और कंपनसेशन दें, इनको लेके दें, नहीं गवर्नमेंट ना दे, उन लोगों ने जिन्होंने लाखों अरबों कमाए हैं इस पैसे, उनसे पैसे निकलवाए जाएं, गरीबों को दिए जाएं। वर्कर वहां पे काम कर रहे थे ना, जो वर्क फोर्स थी, जो वेटर्स थे या वहां कुक थे, माली थे, जो भी थे, उनको मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट को इनसे तनख्वाहें लेके देने चाहिए, दो दो तीन तीन महीने की एडवांस लेके दें ताकि वो तो अपना घर चलाएं, अगर जब तक कोई नई नौकरी ढूंढते हैं। सर आमिर साहब, ये तो कराची की कहानी थी, अब जरा चलते हैं मुल्तान, हमारा अपना मुल्तान सर, एक वो कहते हैं मेरा सेकेंड होम, वहां पे दो चार चीजें बड़ी आमिर साहब बड़ी इंटरेस्टिंग हुई हैं। एक तो चीफ जस्टिस साहब जो है साकिब निसार साहब खुद गए हैं, उन्होंने जाके उसको मौके पे विजिट किया, और साउथ के साथ मैं हमेशा बात करता रहता हूँ, बड़ी ज्यादती होती रहती है, ये जो है ना कचहरी, मैं इस हक में हूँ अगर मेरे भाई नाराज ना हो जाए, मुल्तान के लायर बड़े सेंसिटिव हैं बाज़ दफ़ा कि मेरा ख्याल है, मैं खुद वहाँ पर रहा हूँ, 8-10 साल पढ़ा भी हूँ वहाँ पर, जॉब भी मैंने शुरू किया अखबार में, डॉन वगैरह में, मेरा ख्याल है कचहरी को बाहर निकलना चाहिए, वो बहुत उसने कंजस्टेड कर दिया, जो जहाँ पे कचहरी है ना बहुत कंजस्टेड है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, लोग सारे के सारे आते हैं, डिस्ट्रिक्ट के आपके कचहरियाँ भी हैं, वो शिफ्ट करना बिल्कुल सही फैसला था जहाँ पे की गई। अब प्रॉब्लम कहाँ पे था, जहाँ पे मसला हुआ है कि आपने वहाँ पे फैसिलिटीज नहीं दी, जैसे जिसका रोना मैं रोना रहता हूँ, यहाँ पर रोता रहता हूँ आमिर साहब, कि अगर NFC पूरा उठे 900 बिलियन रुपीज़ लेके जाते पंजाब हर साल, 900 बिलियन NFC का ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी, तो साउथ का 300 रुपया साउथ का बनता था, 300 सेंटर का, 300 हमारे पोठवार का, इन्होंने क्या किया, सारे का सारा 900 रुपया खुद रख लेते हैं, सारे प्रोजेक्ट लाहौर में शुरू करते हैं, मुझे समझाया जाए 50 करोड़ आप लगा सकते हैं यहाँ पे मरी में गवर्नर हाउस की रेनोवेशन पे, डार साहब ने ये फॉरन ऑफिस ने वहां पे बैठ के फ्रॉड किया, इन्होंने 30 करोड़ रुपए की नई गाड़ियां ले ली कि सार्क समेट करवानी है, 1 अरब रुपया अगर उसकी रेनोवेशन पे गाड़ियों पे लगाया जा सकता था तो मुल्तान के आपने जो कोर्स बनाए हैं उसकी फैसिलिटीज किसने देनी थी, आप साउथ का पैसा साउथ को देने को तैयार नहीं, फिर एहसान करते हैं कि हम जना बैठ के आपके काम करेंगे, 10 अरब रुपया हाउस ऑफ शरीफ अपने ऊपर लगा सकते हैं आमिर साहब अपनी सिक्योरिटी पे, लेकिन मुल्तान का जुडिशियल कम्प्लेक्स है तो उसमें उनको आके फैसिलिटीज देने को तैयार नहीं, उनको वहां पे टॉयलेट देने को तैयार नहीं है, चैम्बर्स के लिए आप उनको जगह देने को तैयार नहीं है, सैलरी ने कहां बैठना है वो करने को तैयार नहीं है। साउथ के साथ सबसे बड़ी ज्यादती होती है, मेहरबानी फरमाए हमारे चीफ जस्टिस साहब, बड़ा अच्छा किया इन्होंने, जैसे मैंने कहा था कि उन्होंने विजिट करनी शुरू कर दिया साउथ की, एक मेहरबानी फरमाए जरा इनसे मंगवाएं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स किस बुनियाद पर होती है,
जब आप NFC लेके जाते हैं तो पूरे पंजाब के 36 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें पैसा किस फार्मूला के तहत आप तकसीम करते हैं? डेवोल्यूशन फाइनेंशियल भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आप साउथ को कितना पैसा दे रहे हैं, सेंटर को कितना दे रहे हैं और यहाँ पोठवार को कितना दे रहे हैं, ये सारी डिटेल सामने आनी चाहिए। इसलिए एहतजाज हो, साउथ को अगर 300 रुपया ये सराय के इलाकों को मिले 300 रुपया एक साल में, आमिर साहब ये इलाके कहाँ के कहाँ जा पहुँचेंगे? और ये खैरात के तौर पर नहीं, ऑरेंज ट्रेन कैसे बनेगी? ये खैरात के तौर पर दो मेज़ें, चार कुर्सियाँ, छोटी सी वहाँ पर सड़क के लिए आपको तारकुल आके मार देते हैं, उसके बाद फरमाते हैं हमने साउथ के लिए बड़े काम कर रहे, अनाउंस कर देते हैं, फंड रिलीज नहीं करते। अगली कहानी सुनिए आमिर साहब, इससे रिलेटेड ही इसको हम इस पे कंटिन्यू करते रहेंगे कि कितने वहाँ साउथ के डिस्ट्रिक्ट है, 13 डिस्ट्रिक्ट की नई रिपोर्ट है गुर्बत की, पॉवर्टी की, और ये जो आप इसकी हेपेटाइटिस की बता रहे थे, नई कहानी सर सुने। हमारे वजीर बने अवैस खान लगारी साहब, वो सरदार भी हैं माशाल्लाह पता है सर, उन्होंने एक नया काम किया सर, उन्होंने आते जना बोर्ड जो हैं पंजाब के तोड़े हैं सर, 5 बोर्ड उन्होंने तोड़े हैं, तो उन्होंने क्या काम किया सर उन्होंने लगारी साहब ने, अच्छा फिर हमारे और हमें ताने सुनने पड़ते हैं, लोग कहते हैं हम क्या करें, आपका वजीर है अगर उसने ये काम किया है, उन्होंने हालांकि हमारे दोस्त जो हैं ये खावर घुमन साहब, इन्होंने इनिशियली ये स्टोरी अपने प्रोग्राम में भी की थी, खावर ने की थी कि इन्होंने अपने यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हैं आमिर साहब, इन्होंने 5 तोड़े, 5 में से 4 जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स हैं उनमें 4 लोग हर बोर्ड के मेंबर हैं, 4 लोग, ये जहन में रखें ज़रा आप स्टोरी जहन में रखें, बोर्ड तोड़े उनके बाद जो नए मेंबर बनाए गए ना आमिर साहब, उसमें 4 लोग ऐसे हैं जो हर ये डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका आपकी कंपनियाँ हैं, आप उसका मुल्तान है सर, उसके बाद आपका यहाँ पे आपका लाहौर है, फिर आपका ये गोजरांवाला है और फिर आपका इस्लामाबाद है, 4 इनके इन्होंने नए बोर्ड्स बनाए, 4 लोग जो हैं जो इन तमाम नए बोर्ड्स के मेंबर हैं सर। जो कौन से हैं सर? एक अयाज ये सादिक साहब के नसाबजादे, अयाज सादे का बेटा बैरून मुल्क जॉब करता है, बैंकर है, उसको मुल्तान बोर्ड का भी मेंबर बना दिया गया मेरे साहब, लाहौर बोर्ड का भी है वो, आपके माशाल्लाह इस्लामाबाद का भी है, गोजरांवाला के, इतना काबिल बच्चा है माशाल्लाह उसका, अयाज सादिक साहब का 4 का उनको मेंबर बनाया है। उसके बाद सुने जनाब, एक यहाँ पे अखलाक अहमद ये सैयद साहब हैं, इनको जनाब ये भी 4 के ये बोर्ड के मेंबर हैं, और फिर एक शहरयार यहाँ पे चश्ती साहब हैं सर, उनको भी 4 बोर्ड जो मैंने आपको गिनवाए हैं, लाहौर, मुल्तान और आपके इस्लामाबाद, गोजरांवाला, उसके मेंबर हैं। इसके बाद सादुल्ला खान साहब हैं सर, वो भी 4 बोर्ड्स के मेंबर हैं, और फिर अयाज सादे का जैसे नाम आपको नाम बनाया, फिर इन्होंने क्या काम किया सर, ये 4 क्योंकि बैठते हैं 6 मेंबर होते हैं, अब मुल्तान का जो बोर्ड का जो चेयरमैन लगाया गया है, मज़े की बात है, अब उस बोर्ड में सिर्फ 2 अरकान जो हैं वो मुल्तान के हैं, बाकी 4 बैर के हैं, और जो मुल्तान का चेयरमैन लगाया गया वो लाहौर का है। आमिर साहब ज़रा सुनते हैं, इन्होंने बैठ के 4 क्योंकि बोर्ड में शामिल हैं, लिहाजा 4 बैठ के अपनी मर्ज़ी का उसमें 6 लोग जो होते हैं जितने उसमें 8-10 हैं अपना चेयरमैन बना लेते हैं सर। अब ये पूछने वाला सवाल ये है कि हमें समझाया जाए कि सादुल्ला खान साहब जो हैं ये लाहौर में एक CEO अपनी कंपनी के, इनकी एनर्जी कंपनी उसको CEO हैं और 4 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के मेंबर भी बना दिए गए हैं। जनाब शहरयार चिश्ती साहब ये उसके एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के CEO हैं, 4 बोर्ड के मेंबर भी बन गए हैं, और इसके बाद अजाज सादिक साहब के बेटे का, अहमद अजाज का मैं बता चुका हूँ कि वो वहाँ पर वाइस प्रेजिडेंट है सर। ये 4 लोग जो हैं इनके बारे में मुझे समझाया जाए कि मुल्तान जो है उसके 4 मेंबर कैसे आप बाहर से ला सकते हैं सर, उसका चेयरमैन लाहौर से कैसे ला सकते हैं, आपके मुल्तान जाने को तैयार नहीं है, और चेयरमैन का इंतखाब जो है आमिर साहब इन्होंने लाहौर में बैठ के किया है, ये तरीके वार देगा। मुझे ज़रा अवैस लगारी साहब जो हैं ज़रा एक इसकी कहानी सुनाएं कि आपने 4 लोगों को, अखलाक अहमद, न सैयद शहरयार, आपके चिश्ती, सादुल्ला खान और अहमद या सादे को 4 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का कैसे बना दिया? पता है कि लगते क्यों हैं? खास तौर पे मैंने किसी रिसेंटली पूछा कि हर कोई इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में क्यों लगना चाहता है, उनके जनाब अमंग अदर थिंग और भी बड़े खाते हैं, एक खाता ये है कि जो अगर आपकी कोई कंपनी है, इंडस्ट्री है, तो आपको लोड शेडिंग के ज़माने में अनइंटरप्टेड सप्लाई चाहिए होती है कि आपकी शिफ्ट चलती रहे, तो उसके लिए वो लाखों करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार होते हैं कि हमें ये मिलेगी तो आपने बिजली उतनी देनी है, मगर हमें अनइंटरप्टेड शिफ्ट की दें तो इतने लाख रुपए हम देंगे, एक खाता तो सिर्फ ये है। ठीक है, अच्छा हम सब ये देखें कि इन 4 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का तरीका वारदात देखें, और इसमें शामिल हैं ये अवैस लगारी साहब, शामिल हैं जो साउथ के हैं कि मुल्तान के बोर्ड में बाहर से लोग आके डाल दें, वहाँ पर सिर्फ 2 हैं और इन 4 ने मिल के आए, ये अखलाक अहमद साहब जो हैं, अखलाक साहब जो हैं इनको उठा के मुल्तान का चेयरमैन इन 4 ने लगवा दिया है, अखलाक साहब जो मुल्तान से उनका तलो की नहीं है, ऐसे सेम उठा के उन्होंने शहरयार चिश्ती साहब जो हैं
इनको इन्होंने यहाँ पे लगवा दिया जनाब, इसका इसका लाहौर में लगवा दिया है, और सादुल्ला खान साहब को इन्होंने एस को इस्लामाबाद का लगवा दिया, चारों उसमें शामिल है। इलेक्शन के ऊपर मुझे जरा समझाएं, इन चारों लोगों को मुल्तान, इस्लामाबाद, गोजरांवाला और लाहौर, ये चारों जो हैं एक एक में शामिल हैं, चारों ने बैठ के अपनी मर्जी के एक दूसरे को वोट करके बोर्ड के मेंबर बना लिया है। ये ट्रांसपेरेंसी है, ये गवर्नेंस है, और फिर भी वो हमारे याद सादिक साहब कहते हैं बेटे को दुबई में रहता है, चार को मेंबर बनवा के, तो मैं जमहूरियत से बड़ा मायूस हूँ, अभी भी मायूस इस जमहूरियत से न जाने कौन कौन मायूस है क्लासा साहब, और इसके साथ साथ इसका फॉलोअप भी अपने देखने वाले तक हम पहुंचाते रहेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।